हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको लेकर के जाने वाले जो आपको अभी सामने दिख रहे होंगे कि पानी के अंदर मजार शरीफ। तो दोस्तों आज आपको लेकर के जाएंगे जो समुंदर के बीच में, और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बोट है, ये बोटिंग के इससे हम आगे जाएंगे और अभी आपको आगे जाके भी दिखाता हूँ थोड़ा नज़ारा किस प्रकार का सीन है। और आप ये बीच में देख सकते हो, ये हिजर अलैहि सलाम का चिल्ला मुबारक है जो कि अभी हम बीच में जाएंगे आपको पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बस आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। अगर YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। ये पूरा नज़ारा देख सकते हो आप, ये पूरा समुद्री है दोस्तों। यहाँ पर जब पानी उतरता है तब भी वहाँ पर जाते हैं, जब यहाँ पर पानी अगर ज़्यादा चढ़ जाता है तो। ये अभी कुछ सब्सक्राइबर लोग हमारे साथ मिल चुके हैं। आप कहाँ से हो भाई? माहिम से। अच्छा, माहिम से ही हो गया? माहिम से ही। अच्छा, तो वहाँ पर पानी उतरता है जब भी जाते हैं या क्या है मामला उधर का? जिसको तैरने आता है वो अभी भी जा सकता है। अच्छा, ये मैं जा सकता हूँ, ये बोर्ड से भी मतलब जिसकी मन्नत है तो जा सकता है। अच्छा, बट पानी उतरता है ना तभी पब्लिक जिस जाती है। तो वो चिल्ला मुबारक है या मजार शरीफ है? वो मजार शरीफ है। मजार शरीफ है। अच्छा, कई जने बोलते हैं हजरत खिजर अलैहि सलाम का चिल्ला मुबारक है। वो चिल्ला भी है दोस्तों, कई लोग मजार भी है, मजार शरीफ के नाम से जानते हैं, लेकिन वो चिल्ला मुबारक है। अभी आपको लेकर के चलेंगे, आप देख सकते हो बिल्कुल समुंदर के बीच में, अभी यहाँ से हम जाने वाले हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों पहले आपको मैं यहाँ से पूरा नज़ारा बताता हूँ समुंदर के बीच में हम किस प्रकार से जाएंगे। जैसे कि आपको सामने हजरत खिजर अलैहि सलाम का चिल्ला मुबारक नज़र आ रहा है, तो अभी हम वहाँ पर जाएंगे। और दोस्तों आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो ये भी मैं बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप मुंबई में हो तो मुंबई के तो सभी जानते हैं कि माहिम दरगाह के पीछे ये समुंदर है। अगर आप कहीं से नए हो तो आपको माहिम दरगाह आना, हो माहिम दरगाह के पीछे किसी से भी पूछ लेना कि हजरत अलैहि सलाम का चिल्ला मुबारक कहाँ पे है या पानी के अंदर मजार शरीफ कहाँ पे, क्योंकि कई लोग पानी के अंदर मजार शरीफ के नाम से यहाँ पे जानते हैं, समुंदर के अंदर मजार शरीफ के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों ये हजरत खिजर अलैहि सलाम का चिल्ला मुबारक है, अभी हम भी जाएंगे लाइव ज़ियारत करेंगे और आप लोगों को भी ज़ियारत कराएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों पानी कितना ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पे जब लहरें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे आगे नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि एक हफ्ते पानी पूरा चढ़ा हुआ रहता है। जैसे कि आपको सामने झंडे नज़र आ रहे होंगे जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं ज़ियारत करने के लिए, सिर्फ वे झंडे हमें नज़र आते हैं, बाकी पूरा सब कुछ जो मजार शरीफ है वो पूरा पानी में डूब जाता है। अभी वहाँ जाएंगे हम और पूरा नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो अभी हमारे को हसन भाई लेकर के जाएंगे, उन्होंने भी हम यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये आप पूरा नज़ारा देख सकते हो, यहाँ से पूरा घुमा करके आपको पूरा सीन दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो जायरीन है वे ज़ियारत करने के लिए यहाँ वहाँ पर जा रहे हैं, जैसे कि फूल और चादर पेश करने के लिए। हम भी वहाँ पर जा करके फूल और चादर पेश करेंगे और आपको नज़ारा दिखाएंगे। आप देख सकते हो किस प्रकार से जो नाव है उसके ज़रिए यहाँ से जाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जब लेयरें ज़्यादा रहती है, जब पानी ऊपर तक आ जाता है तो वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता है। ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हो, ये पूरा सीन है दोस्तों। बस आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट करके ज़रूर बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और मुंबई के माहिम के कौन कौन है, क्योंकि कई मेरे सब्सक्राइबर लोग मुझे मुंबई में माहिम दरगाह के आसपास भी मिले हैं। तो आप ये पूरा नज़ारा देख सकते हो, ये पूरा सीन है जो कि अभी समुंदर के बीच में। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर फूल और चादर ले लिए और हम जाने वाले हैं समुंदर के बीच में। जो अभी हमारे साथ में हसन भाई है, इन्हों को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। यहाँ पे ये कई मतलब डूबते हुए कि इन्होंने जान भी बचाई है। तो आज हम आपको लाइव इन्हों के साथ ही लेकर के चलेंगे। ये आप देख सकते हो, ये हसन भाई है जो अभी हमारे साथ में है। तो दोस्तों अभी हम हसन भाई के साथ में जा रहे हैं, जो पानी मजार शरीफ के नाम से जानते, लेकिन अभी चिल्ला मुबारक है वो। तो अभी हसन भाई बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। यहाँ खिजर अलैहि सलाम की बेटा के पत्नी शाह में बिठा के तालीम दी है। यहाँ पानी एक हफ्ता रहता, पानी एक हफ्ता नहीं रहता है, पब्लिक आती है चल के और एक हफ्ता पब्लिक जाती है बोर्ड में। और यहाँ पे हमने देखा कि कई मतलब आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिले और इसके अलावा कई पुरस्कार भी मिले, तो वो क्यों मिले? लोगों की सेवा करते हो, जो पब्लिक आती है इतने पानी में चला जाए रुकने लगती है, तो हम लोग का काम है बचाना, तो बचा देते हैं। इंसान के नाते अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह काम करेंगे, पर हम लोग बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे अगर कोई पानी के अंदर डूबता है तो हसन भाई उन्हों को बचाते हैं। तो अभी आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं, हम पास में पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम नाव के अंदर चल रहे हैं और आपको पूरा सीन दिखाते हैं। आप पानी देख सकते हो कितना ज़्यादा है, यहाँ पे पूरा सीन देख सकते हो दोस्तों। जब यहाँ पे पानी पूरा सूख जाता है तो यहाँ पे पैदल भी आते हैं लोग वक्त, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे एक हफ्ता पानी रहता है और एक हफ्ता नहीं रहता है, जैसे कि अभी हसन भाई ने बताया। और यहाँ पे अभी हम हजरत खिजर अलैहि सलाम
बाबा के चिल्ले मुबारक में आ चुके हैं और यहाँ पे अभी हम फूल और चादर फेस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम उतर तो सकते नहीं है क्योंकि अभी आप पानी का बहाव देख सकते हो, तो अभी हमें यहीं से ही चादर और फूल फेस करने पड़ेंगे। और दोस्तों जो झंडा आप सामने देख रहे हो, ये बताया जाता है कि जो मजार शरीफ ये बैठक है, यहाँ पे चिल्ला मुबारक है, ये पूरा मतलब डूब जाता है और सिर्फ आपको सिर्फ झंडा नज़र आएगा। आप ये पूरा नज़ारा देख सकते हो किस प्रकार से ये पूरा सीन है। अभी दोस्तों अभी आपको थोड़ा और घुमा करके यहाँ से दिखाएंगे। अभी पानी का भाव भी काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पे कई लोगों की मन्नतें पूरी हुई है, बच्चे से रिलेटेड मन्नत पूरी हुई है और बड़ी से बड़ी मन्नतें यहाँ पे पूरी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे कितनी ही मतलब आंधी तूफान हो, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे नाव के जरिए भी लोग अपनी मन्नत उतारने भी यहाँ पे आता है। जिस किसी की मन्नत रहती है तो यहाँ पे आता है और फूल और चादर पेश करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी चढ़ाया जाता है, वो भी हम आपको हसन भाई से पूछ करके बताएंगे। आप ये पूरा नज़ारा देखिए। दोस्तों यहाँ के बारे में एक अगला वीडियो भी आने वाला है, जो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर हसन भाई देंगे, जो अभी बोट के जरिए हमारे को लेकर के आए। आप यहाँ पर ज़ियारत करिए। तो दोस्तों अभी यहाँ पर इसी प्रकार से फूल और चादर पेश करी गई है कि पानी में यहाँ पर फूल हमने डाल दिए ताकि यहाँ पे आसपास फूल पेश हो जाए। आप ये पूरा नज़ारा देख सकते हो। अभी आपको एक राउंड और यहाँ पे घूम करके दिखाते हैं। दोस्तों हालांकि यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है, जो कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम बाबा का चिल्ला मुबारक है। और दोस्तों यहाँ पे बड़ी से बड़ी जो मैंने आपको बताया मन्नतें पूरी होती हैं, यहाँ पे आपको कई सारे मन्नत के धागे भी बंधे हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे कई लोग आते हैं जो कि मन्नत के धागे बांधते हैं और उनकी मन्नत और मुराद जल्दी से जल्दी यहाँ पे पूरी होती है। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको दरगाह शरीफ जो है यहाँ पे एड्रेस बता देता हूँ, जो माहिम दरगाह है, माहिम दरगाह के पीछे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का चिल्ला मुबारक है, जो कि समुंदर के पीछे है। ये पूरा सीन आप देख सकते हो, ये पूरा नज़ारा। दोस्तों हमने जो चादर पेश करी थी तो अभी यहाँ पानी में इसी प्रकार से चादर पेश होएगी, क्योंकि अभी अगर उतर के भी चादर पेश करेंगे तो वो पूरी समुंदर के अंदर बहने लग जाएगी। ये पूरा नज़ारा दोस्तों काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे अभी हम बिल्कुल समुंदर के बीच में है, ये पूरा सीन आप देख सकते हो। दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और इस वीडियो को जितना हो सके आगे से आगे शेयर करिए, ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी जाए और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार इसी तरह बना रहे। तो ये पूरा नज़ारा देख सकते हो। आप जो भी यूज करते हो, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपके पास जितने भी ग्रुप है, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करिए। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर नज़ारा दिखा देता हूँ। जो झंडा मैं आपको बता रहा था, आप ये देख सकते हो, ये झंडा है, ये ही दिखता है, बाकी पूरा मतलब पानी यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आने नहीं दिया जाता है क्योंकि सब कुछ गायब हो जाता है, सिर्फ यहाँ पे जो आपको झंडा अभी ऊपर नज़र आ रहा है, यही झंडा नज़र आता है। ये पूरा सीन आप देख सकते हो। और दोस्तों जैसे कि हसन भाई ने बताया कि एक हफ्ते यहाँ पर पानी नहीं रहता है, एक हफ्ते पूरा पानी रहता है। तो चलिए दोस्तों मिलता है अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना, यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन